नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी हुआ है। सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने नोटिस दिया है। इंडिया गठबंधन के लोगों में अशोक चक्र का मामला, तो 3 दिन में मांगा जवाब। अशोक चक्र हटाने के लिए कहा है, अशोक चक्र नहीं हटाने पर न्यायालय जाएंगे वकील। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। तो एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी हुआ है। सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के लोगों में अशोक चक्र का यह मामला है, 3 दिन में जवाब मांगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, पूरा मामला क्या है? देखिए, जो जो ग्वालियर के वकील हैं अवधेश सिंह तोमर, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने साफ नोटिस में लिखा है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नाम से नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जो इंडिया डॉट गठबंधन किया है उसमें अशोक चक्र लगाया गया है, जिस तरह से ये नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये भारतीय ध्वज पर और भारतीय जो प्रतीक चिन्ह है, और इसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा या किसी अन्य पार्टी द्वारा अपने किसी भी ध्वज पर किसी भी समारोह में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसका पूरा उल्लंघन इस गठबंधन ने किया है, इंडिया डॉट गठबंधन ने। तो इसको लेकर उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन में वो अपना जवाब इस नोटिस का दें। अगर वो नोटिस का जवाब समय पर नहीं देते हैं तो वो इस पूरे मामले को लेकर जो एडवोकेट है अवधेश सिंह तोमर वो न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय के बिल्कुल। विनोद जी, लेकिन क्या इसमें कार्रवाई भी हो सकती है नियम के तहत? क्या है प्रावधान? हाँ बिल्कुल, देखिए नियम ये है कि किसी भी तरह से अशोक चक्र का जो है किया जा सकता, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति द्वारा ये नहीं किया जा सकता। जो पात्र है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो जहां पर जरूरत होती है वहां इस्तेमाल इसका हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, संगठन इसका इस्तेमाल अपने किसी उसमें प्रतीक चिन्ह में नहीं कर सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसका अपमान है। तो इसमें अगर उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं कि अगर उन्होंने इसका माकूल जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 दिन में जवाब दें और उस चक्र को जो है उसको अगर हटा लेते हैं तो उन्हें आपत्ति नहीं है। अगर 3 दिन के अंदर चक्र हटा लिया जाता है, उनके जो इंडिया डॉट गठबंधन जो बना है उसमें से अगर हटा लिया जाता है, तो अवधेश तोमर इस मामले को लेकर सोचेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनके द्वारा कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता या फिर गंभीरता से मामले को नहीं लिया जाता तो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय में प्रावधान है कि इस तरह से अगर कोई दुरुपयोग करता है राष्ट्रीय चिन्ह का तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी, और इसका बाकायदा संविधान में उल्लेख भी है, जिसको लेकर अब चूंकि एक बड़ा मामला हो गया है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उनको इस तरह से नोटिस गया है, तो कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ सकता है। चूंकि जो अवधेश तोमर हैं सीनियर एडवोकेट हैं ग्वालियर के, और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो इस मामले को वो छोड़ने वाले नहीं हैं, और ऐसा उनके बातों से भी लग रहा था कि पूरे मामले को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, और अगर 3 दिन में उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो न्यायालय से फिर नोटिस जारी कराएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से खबर, जहां साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां ठगी करने के बाद आरोपी ने एआई से वीडियो बनाकर खुद ही इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया में लोगों को जोड़कर पैसे डबल करने का झांसा देकर आरोपी ने ठगी की। ठगों ने एंग्लो अमेरिकन नाम से कंपनी बनाई थी जिसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आरोपी कंपनी बंद कर पैसा लेकर फरार हो गया। आरोपी ने एआई वीडियो में कहा, आप लोग ठगे गए हैं, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, अब हम फरार हो रहे हैं। मैं एंग्लो अमेरिकन कंपनी की टीचर हूँ। मैं रोज शाम को 7 बजे आप लोगों के बीच में ज्ञान, मैं भी एंग्लो अमेरिकन कंपनी टीम की एक हिस्सा हूँ। मैं भी अपने गुरु हेलेना के निक से कदम पर चल रही हूँ। मैं रोज शाम को 7 बजे ज्ञान तो नहीं पेल पाती हूँ,
लेकिन लोगों को मैसेज करके पैसा जरूर मंगवा लेती हूँ। अब हम सभी टीम मेंबर करोड़पति बन गए हैं। अभी है मैं भी एंग्लो अमेरिकन कंपनी टीम की एक हिस्सा हूँ। मैं भी अपने गुरु हेलेना के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। मैं रोज शाम को 7 बजे ज्ञान तो नहीं पेल पाती हूँ, लेकिन लोगों को मैसेज करके पैसा जरूर मंगवा ले। एक्विजिशन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शिकायत मिली है, जिसमें 3 लोगों के साथ इस तरह की ठगी की घटना हुई है कि जिसे एप्लीकेशन पे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो आप पर डे 200 रुपए कमा सकते हैं, तो लगभग लोगों ने 2.5 से 3 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर दिया था। हम लोग इसकी भी जांच कर और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरह से एआई की चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि एआई की तरफ से ठगा जा रहा है एआई को जरिया बनाकर, तो ऐसे में किस तरह से इस पूरे ही ठगी को अंजाम दिया जाता था कंपनी के द्वारा? हमारा संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रायपुर में ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक कंपनी लोगों से पैसे लेती है और पैसा डबल करने का लालच दिया और उसके बाद फरार हो गए, लेकिन ये पूरी जानकारी एआई के माध्यम से दी है। तो ठगों ने एंग्लो अमेरिकन नाम से जो है वो कंपनी बनाई और उसके बाद ठगी की है, लोगों को पैसा डबल होने का झांसा दिया और खुद इसके बाद एआई पर वीडियो बनाई और उसके बाद उन लोगों को बताया जो ठगे गए हैं। तो इसका वीडियो भी जारी हुआ है। एआई वीडियो में कहा कि आप लोग ठगे गए हैं और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरह से एआई की चारों तरफ चर्चा है, लेकिन अब ठगी भी हो रही है इसके जरिए, किस तरह से ये कंपनी लोगों को ठगती थी? देखिए, ये अनोखा मामला है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की अनोखी ठगी हुई है वक्ता, और लोग करोड़ कम समय में करोड़पति और लखपति बनने की चाहत में साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ठगी का एक अनोखा मामला रायपुर में से सामने आया है, जिसमें एक एनर्जी कंपनी बनाकर पहले लोगों से लाखों की ठगी की गई और अब एआई के जरिए वीडियो बनाकर जारी कर खुद को फ्रॉड बताते हुए कंपनी बनकर होने की जानकारी दी जा रही है। 2-3 यहाँ पर वीडियो बनाया गया है एआई के द्वारा और इसमें बकायदा ये कहा गया है कि हमने ठगी की घटना का अंजाम दिया है, लोगों से पैसा लिया है और हम अब कंपनी बनकर फरार हो रहे हैं। पुलिस इस पूरे मसले को लेकर अब जांच कर रही है, टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है कि आखिरकार ये कंपनी बनाई गई है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसमें नाइजीरियन गैंग के होने की जानकारी मिली है और पुलिस इस पूरे मसले को लेकर अभी कुछ और जानकारी ले रही है, कोशिश कर रही है कि जो जिनसे ठगी हुई है उनका पैसा वापस हो सके। इसके साथ साथ जो एआई के जरिए वीडियो बनाया गया है उसकी भी जानकारी पुलिस को मिल सके। बिल्कुल हेमंत, तो ये वीडियो बनाया गया है एआई के माध्यम से, तो क्या अब इसी के जरिए आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकती है? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरीके से ये सबूत छोड़कर जो ठग हैं वो गए हैं। वीडियो कहाँ से बना है इसकी पुष्टि अभी की जा रही है, हालांकि एआई के माध्यम से ये पूरा वीडियो बनाया गया है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, इसकी जानकारी टेक्निकल टीम के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।